पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले वह दिन दूर नहीं जब देशवासी मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे। कहा भारत दुनिया में तेजी से बढ़ेगा आगे। होली गिफ्ट, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की जारी। देश भर के 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,800 करोड़ से ज्यादा की धनराशि की ट्रांसफर। अब केप की तरह बुक कर सकेंगे ड्रोन, निजी कंपनियों के साथ मिलकर सरकार कोयला, तेल, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में करेगी उपयोग। 1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर, ट्रेनों के टाइम टेबल और सोशल मीडिया को लेकर होने जा रहे कई बड़े बदलाव, सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा असर। केंद्र सरकार को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को माना सही, कहा यह स्कीम राष्ट्रहित में है, हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं। लव जिहाद, लैंड जिहाद का एकमात्र समाधान, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व जागरण पद यात्रा में संतों का बड़ा बयान। यूपी बिहार के यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, होली से पहले रेलवे ने रद्द की 400 से ज्यादा ट्रेनें। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेलगामी में किया विशाल रोड शो, भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की अडानी की तुलना, बोले सच सामने आने तक उठाते रहेंगे सवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, दिल्ली में अलर्ट जारी। केंद्र सरकार दबा रही आवाज, हम खड़े रहेंगे सिसोदिया के साथ, शिवसेना नेता संजय राउत, बोले बीजेपी में सभी नेता हिमालय से आए हुए साधु बैठे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ शुरू, नोकिया ने 60 साल बाद बदला अपना लोगो। कंगाल होते पाकिस्तान में अब इलाज मिलना भी हुआ मुश्किल, अस्पतालों में नए दवाएं न सर्जरी का सामान। हाईवे पर चलने वाली की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने घटा दिया टोल टैक्स, एनएचएआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की राउच एवेन्यू कोर्ट से मांगी 5 दिन की रिमांड, कहा पूछताछ में नहीं दिए सवालों के जवाब। सड़क और शहरों के नाम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट की 2-2, कहा अतीत के कैदी बनकर नहीं रह सकते। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, बोली इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों पर 100 से ज्यादा बांग्लादेशी ग्रामीणों ने किया हमला, 2 की हालत गंभीर, हथियार लूट कर भागे। देश में हर दूसरे दिन हो रही एक बाघ की मौत, अब तक 30 ने तोड़ा दम, टाइगर रिजर्वर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर हुई पस्त, लागत निकलना भी हुआ मुश्किल, बैक टू बैक 6 फिल्में हुई फ्लॉप। केंद्रीय हज कमेटी ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, कहा खुद करे विदेशी मुद्रा का इंतजाम। G20 की अध्यक्षता से दुनिया में बढ़ेगी भारत की धाक, अमेरिका ने खुलकर की तारीफ। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई को मिली बड़ी सफलता, कंप्यूटर से डिलीट फाइलों को फिर से किया हासिल। 2 महीने के निचले स्तर पर आए सोने का भाव, चांदी वायदा का रेट भी टूटा। पेंशन वालों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने बढ़ाई उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की तिथि, अब 3 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। 2023 की चौथी फ्लॉप फिल्म बने अक्षय कुमार स्टारर सेल्फी, 3 दिनों में ही हाल बेहाल। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ेंगी भारतीय मूल की दर्शना पटेल, पेशे से है रिसर्च वैज्ञानिक। हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को बड़ा किया, हमारा प्लान था पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट का वीडियो वायरल। अधिवेशन से मौलाना आजाद की तस्वीर गायब होने पर बढ़ा विवाद, पार्टी ने मांगी माफी। चीन में वायरस का ट्रिपल अटैक, कोरोना से मिली राहत तो इन्फ्लुएंजा और नोरो वायरस ने बरपाया कहर। भारत में घुसा खतरनाक शख्स, चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में ली ट्रेनिंग, एनआईए ने मुंबई इंदौर पुलिस को जारी किया अलर्ट। अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी, कहा युद्ध में रूस को सैन्य सहायता देने पर चुकानी होगी असली कीमत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से सुब्रमण्यम स्वामी हुए खपा, बोले अमित शाह के गृह मंत्रालय ने नहीं किया होमवर्क। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगान के समय सदन में बैठे रहे 5 अधिकारी, बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने की कार्रवाई की मांग। 470 विमानों की खरीदारी पर एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारे पास अपार संभावनाएं। सड़क पर प्रदर्शन की बजाय कोर्ट में बेगुनाही साबित करे आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। यूपी में 7,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। कुल
कोलकाता एयरपोर्ट पर बीते 24 घंटे में दो विमानों की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। कृष्ण की नगरी वृंदावन में मची होली की धूम, वृद्ध और विधवा महिलाओं ने खेली फूलों की भव्य होली। दिल्ली लोकसभा की सातों सीट हारेगी बीजेपी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बड़ी गलती। घरेलू शेयर बाजार में बिकवानी हावी, 7 दिन में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबे। जसप्रीत बुमराह की वापसी में लग सकते हैं कई महीने, आईपीएल एशिया कप में भी खेलना मुश्किल। चीन भी ले रहा पाकिस्तान की कंगाली के मजे, रोटी देने के बजाय बाढ़ पीड़ितों को थमाए जूते। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली और भोपाल के बाद कोलकाता में भी बीजेपी दफ्तर के सामने आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन, बोले डबल इंजन की सरकार से बढ़ गई कर्नाटक के विकास की स्पीड। अपने गाने से सोशल मीडिया पर छाया बिहारी बॉय अमरजीत, जाकर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपने फिल्म में गाने का दिया ऑफर। ट्विटर ने एक बार फिर की चटनी, 200 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। शरणार्थियों की नाव डूबने से इटली में भीषण हादसा, 59 की मौत, ज्यादातर थे पाकिस्तानी और अफगान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अपने ही लेंगे उनकी जान, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। 5 मार्च को ही होगी नीट पीजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई स्थगित करने की मांग वाली याचिका। सीबीआई नहीं चाहती थी गिरफ्तारी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले राजनीतिक दबाव में मनीष सिसोदिया हुए अरेस्ट। चीन की लैब से ही पूरी दुनिया में फैला था कोरोना, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा।